हेलो एवरीवन, और जो टॉपिक आज हमने उठाया है अपने नए वीडियोस के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। इसमें फॉर्मूलेज भी लिमिट्स हैं, और कहीं कई बार मैंने फॉर्मूले जो बच्चों के साथ मैंने शेयर किया है, फॉर्मूले का माइंड मैप, तो हमारे बच्चों ने काफ़ी ही सुंदर से माइंड मैप बनाया है। अगर आप लगातार रील्स और वीडियोज़ देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपने उसको भी मिस नहीं किया होगा, जो फिजिक्स का माइंड मैप हमारे बच्चों ने बनाया है। ये मतलब बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है जो वो करते हैं हमारे साथ, और यहाँ पे उन्होंने कई माइंड मैप बना के, सिर्फ माइंड मैप बनाना ही मैटर नहीं करता, माइंड मैप बना के उन्होंने उस चीज़ को लैमिनेट करा के और उसको खुद भी इम्प्लीमेंट किया है, उसको देखा है उन्होंने। और जब भी कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर्मूले पूछता हूँ, तो वो फॉर्मूले उनके माइंड में भी होता है, सिर्फ माइंड मैप में नहीं होता, ठीक है ना। तो जो पेपर पे काम है वो पेपर पे नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में भी मैप, माइंड में भी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ उनके मेहनत से। और ये छोटा सा एक चैप्टर है, आपको पता ही होगा, ये चैप्टर 11 है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर है। और इस चैप्टर को यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और मेरे बच्चे रेडी हैं यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन को एक एक करके दिखाऊँ। एक सफिशिएंट टाइम भी आपको मैं दूंगा, अपने बच्चों को भी एक सफिशिएंट टाइम दूंगा, जिससे कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। मैटर ये करेगा कि टाइम, जैसे 1 मिनट का टाइम होता है, तो मैं यहाँ पे टाइम के लिए कोई बाउंड्रेशन तो अभी नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन हाँ, परफेक्शन काफ़ी मैटर करेगा, तो परफेक्शन होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ, इसका एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक जो है, एमसीक्यूज़ हैं। और ये पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड देन वैल्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। यहाँ पे पूरा अगर देखा जाए तो इतना सही बताया गया है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, अगर स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाए तो उसकी कैरेक्टर क्या होगी, है ना, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेंस अनचेंज रहेगी, या इंक्रीजेज अप टू सम वेलोसिटी एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज। तो इसमें क्या आपके पास ऑप्शन, आप यहाँ पे लेना चाहोगे ऑप्शन बी, आप कहना चाहते हो बी, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, आपने यहाँ पे ऑप्शन बता दिया है डिक्रीज करेगा। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रही है, तो आपने किस सेंस में यहाँ पे बताया कि ये डिक्रीज हो रहा है, सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ मास इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। जी हाँ, आइंस्टाइन मास चार्ज बाय एम होता है, तो डिक्रीज होगा, राइट, नॉर्मली, बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट था, चूंकि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो E इक्वल टू अगर एम सी स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ आपको अपने दूसरे बोर्ड पे कि काम करके, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपके, आपने बिल्कुल यहाँ पे सही बताया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये जो है E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन इसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस इक्वेशन है। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्पीड के बारे में, तो सी जो है सी स्क्वायर इक्वल टू ई बाय एम होगा, ये आप बताना चाह रहे हो आप लोग, यस सर, तो बिल्कुल ठीक है। और ईशा ने और खुशी ने यहाँ पे जवाब दिया है कि ई बाय एम होगा, और ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पे देखो किसी भी चीज़ को देखा जाए, तो यहाँ पे सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ई अपॉन एम, सी इक्वल टू ई अपॉन एम। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी, है ना, ये आप बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, ये अगर इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पे, ये डिक्रीज करने की कंडीशन में आएगी, ये चीज आप बताना चाह रहे हो। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है आपके पास, जो रिप्लाई था बी ऑप्शन सही है, डिक्रीज, हाँ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेज,
एक्चुअल में वहां पे भी वो चार्ज के लिए बात कर रहा था। यस सर, स्पेसिफिक चार्ज के लिए। स्पेसिफिक चार्ज के लिए बात कर रहा था, यहाँ पे भी स्पेसिफिक चार्ज की बात हो रही है। ऑफ कैथोड रे इज कांस्टेंट, है ना, स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रे इज कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कैथोड। सर वो तो आपने पहले आंसर ही बोल दिया। ओह मैंने, अच्छा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज कांस्टेंट, अच्छा ये ऐसे कैसे होगा स्पेसिफिक चार्ज। बिल्कुल देखिए यहाँ पे अभी हमने बिल्कुल स्टडी किया था, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक चार्ज हो, हाँ कोई भी स्पेसिफिक चार्ज हो, स्पेसिफिक चार्ज के लिए जो वैल्यू होती है ना उसके लिए नॉर्मली जैसे हम लोग E बाय M लेते हैं, E अपॉन M। अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज है, चार्ज जो भी ले रहे हो आप, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ज के लिए उसकी मास भी स्पेसिफिक होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और उसकी चार्ज की वैल्यू भी स्पेसिफिक होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केस में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो E बाय M का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ की आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आपने स्टडी किया होगा जो 12th क्लास में था, ऊपर इस तरह से यहाँ पे प्लस, नीचे यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे एक चार्ज को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था इलेक्ट्रोस्टेट्स, राइट, इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल सही बात, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपने देखा था कि क्वेश्चन में कुछ में चार्ज ऐसा जा रहा है, तो आपने बोला था कि अच्छा ये जो चार्ज जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो माइनस में है, कुछ चार्ज जो है इस तरफ जा रहा था तो आपने बोला माइनस, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसी पे वो क्वेश्चन था जिसमें E बाय M आया था। तो वहां पे क्यों, क्योंकि F इक्वल टू होता था क्यू ई और F इक्वल टू होता था एम ए, है ना, एम ए इक्वल टू क्यू ई, राइट। तो यहां पे ये Q बाय M ये होता था Q बाय M ये इसके रेशियो में आया था, एक्सलेशन की बात होती थी, तो A इक्वल टू क्यू बाय ई क्यू बाय M, यहाँ पे M हो जाता था, है ना, Q बाय M इंटू ई। अब आप सोच रहे हो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ऊपर में है, आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये जो ऊपर में दिया हुआ है और जो माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब है प्लस से माइनस तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है ना, ये तो वेरी हो ही नहीं रही, और जो कांस्टेंट है तो उसकी बात यहाँ पे हम कर ही नहीं रहे। अब इसका मतलब है कि जो चार्ज एक्सेलरेट हो रही है वो एक्सेलरेटेड चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और मास के रेशियो के, और ये चार्ज और मास का रेशियो जो होता है एक स्पेसिफिक चार्ज के लिए, चाहे मान लो कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप लोगे 1.6 × 10⁻¹⁹, मास की बात करोगे मास लिखोगे 9.1 × 10⁻³¹, तो उसकी वैल्यू कभी थोड़ी बदलेगी, दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, रेशियो तो सेम ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रे इज दैट दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कास्ट शैडो, गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। आप इसका आंसर ये बता रहे हो, ठीक है बिल्कुल, देख लेते हैं। ये देखो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर का स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग क्या, सही आर्ग्यूमेंट है, इसलिए बड़े मजबूती से ये सच्चाई बताना चाहता है। और वो कहता है कि नेचर कैथोड रेज इज दैट रे, कैथोड रे उस तरह का रे, कैथोड रे क्या है, कैथोड रे क्या है, कैथोड रे क्या है, क्योंकि वो निगेटिव से आ रहे हैं, है ना, एनोड वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कैथोड रे क्या है, कैथोड रे कहाँ से आ रहा है भाई मैं, तो ये डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज के बीच से, तो गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे को पास कराओगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही है, आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो आप आंसर बता रहे हो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉन गन, है ना, इन एन इलेक्ट्रॉन गन द कंट्रोल ग्रिड इज गिवन अ नेगेटिव पोटेंशियल रिलेटिव टू कैथोड इन ऑर्डर टू, अरे ये तो अलग टाइप का लग रहा है। इन एन इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन तो मैंने कई बार देखा है, बच्चे प्रोजेक्ट में लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और कंट्रोल ग्रिड इज गिवन अ नेगेटिव पोटेंशियल रिलेटिव टू कैथोड और इन ऑर्डर टू, किसके ऑर्डर में, डी एक्सलेट इलेक्ट्रॉन्स रिपेल इलेक्ट्रॉन्स एंड दस कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, टू सेलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम वेलोसिटी एंड टू कन्वर्स देम अलोंग द एक्सिस। फोर्थ ऑप्शन है, टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लग रहा है आपको? अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कराने के पे डिक्रीज करा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन गन में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कराएं क्या, करा सकते हैं? क्या ऑप्शन लगता है इलेक्ट्रॉन गन का? बी, रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना, कोई गन ऐसा कोई थोड़ी बनाएगा कि ऐसा गन बनाओ, आपको बोले ऐसा गन बनाओ जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, आगे जाके इलेक्ट्रॉन गिर जाए, तो भाई गन क्यों बना ही क्यों रहे हो फिर? तो पहली बात तो ये टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी है ना, ये गलत हो गया भाई। गन बना रहे हो तो गन में रेंज बढ़ाओ ना, कि इलेक्ट्रॉन की जैसे स्पीड ज़्यादा हो, आपकी गन की बुलेट जो निकले तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, टू सेलेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम वेलोसिटी एंड टू कन्वर्स देम अलोंग द एक्स एक्सिस। अच्छा अब बताओ, मैंने गन बनाया, गन में जो बुलेट निकला, बुलेट एज ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो बुलेट से जब निकल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, है ना, ऐसा थोड़ी कि सेम स्पीड से जाएगी, आगे धीरे 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 स्पीड उसकी आगे जाके कम होगी, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन शुरू में जब निकला था तो उस समय वेलोसिटी तो ज़्यादा थी, तो ये कह रहा है सेम वेलोसिटी, भाई ये तो ये भी गलत है। तो रिपेल इलेक्ट्रॉन्स एंड दस कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा ना, तो अब ये क्या हुआ, जैसे चार्ज कैसे होता है, समझ लो कि यहाँ पे एक मान लो कि एक कैथोड है, समझना बात को, कैथोड है और इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से लेके ना जोर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैथोड भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, ये क्या किया, इधर आया सही लेकिन इसने जितना जोर से ये इधर आया उतना ही इन्फ्लुएंस के कारण इसने उसको रिपेल कर दिया। अब जहाँ भी जाएगा जिस डायरेक्शन में, वो उसकी रिपल्सन के कारण मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी उस डायरेक्शन में, तो बी ऑप्शन होगा, रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड दस कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट। क्योंकि गन में ये भी देखना है कि गन में आप देखा होगा, आपने कई बार सुना भी होगा कि अलग अलग गन का रेंज अलग अलग होता है ना, जो छोटा वाला गन होता है उसका रेंज अलग होता है, और वो CID देखते हो गए आप लोग कभी कभी, फिर से आने वाला है ना, तो मैंने भी देखा रिसेंट में कि CID फिर से लॉन्च होने वाला है, तो वो अगर आ गया तो वो तो फिर उसमें देखेंगे भाई कि गोली जब लगी तो कितनी, अगले ने नज़दीक से गोली मारी या दूर से गोली मारी, कितने MM की गोली थी, है ना, और कितनी दूरी से मारी गई, तो उसी कारण से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गन का काम होगा, राइट। ठीक है, फोर्थ का आंसर आपने दे दिया, बहुत अच्छा है। फिफ्थ के आंसर पर आते हैं। फिफ्थ